पापा पे बहुत गर्व है, हम लोग के जरूर दिन खराब किए लेकिन अपना दिन बना के गए। सरकार से क्या मांग कर? मेरे भाई को जॉब दे दीजिए, हम लोग का दिन एक होगा, फिर इसको किसी चीज में जॉब दीजिए। शहीद अमरेश कुमार यादव जी के घर पर आए हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे सारे परिजनों है, सभी का रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। दो दिन पहले देश की रक्षा करते हुए असम में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, यहाँ पर देख सकते हैं उनके परिवार परिजनों सारे लोग हैं, सभी का रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। उनकी पत्नी को तो बताया जाता है कि उनका हालत और भी बेहोशी बन चुकी है। चलिए उनके परिवार परिजनों से बातें करेंगे, आखिरकार कब उनसे बात हुआ था। अमरेश कुमार यादव जी आपको कौन लगते थे? मेरे पापा है। आप ही का पापा था? हाँ मेरे ही पापा है, उनका जेठा उदामी है, बड़ा का बेटवा मी है। क्या बोलते थे पिताजी आपको? मेरे पापा हम लोग के लिए सब कुछ थे, हम लोग छोड़ के चल गए। अच्छा, आपका पापा तो शहादत हो चुके हैं, देश के लिए शहादत हो चुके हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो पापा पे बहुत गर्व है, हम लोग के जरूर दिन खराब किए लेकिन अपना दिन बना के गए, वो अपने देश के लिए करके गए। अपना पिताजी पर गर्व कर रहे हैं कि देश के लिए हंसते हंसते अपना प्राण को न्योछावर कर दिए। बहुत गर्व है। आखिरी बार कब बात हुआ था? सैटरडे शाम को 8 बजे 10 बजे दोनों टाइम हुआ, रात में हुआ। बोले की मिलन जुलन कब हुआ था आपका पिताजी? 8 दिन संडे को हम लोग ट्रेन बैठा के भेजे, हम लोग घुमाने के लिए ले गए थे। आप लोग असम से वहीं से आए? घूम के हम लोग जहाँ ड्यूटी कर रहे थे पापा वहीं से आए हैं। पिताजी आगे के लिए आपको क्या बोलते थे, आगे क्या रास्ता पर चलना है? हम लोग के सब रास्ता दिखा है। देखिए उनका बेटी है और देख सकते हैं इनका आंख सांस ऊपर रही है, और इन्होंने पिताजी के बारे में यही बोल रहा है कि मेरा पिताजी पर गर्व था जो कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। दो दिन पहले देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। बताया तो यह जाता है कि 1995 में सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में कर सकते हैं 30-32 साल देश के लिए सेवा दिए हैं। और देखिए उनका एक और बेटी है, उनसे भी बात करेंगे। आपका पिताजी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अपने पापा पे बहुत गर्व। आपका पिताजी पर गर्व था? बहुत। कब बात हुआ था आखिरी बार? सैटरडे को रात में। क्या बोलते थे पिताजी आपको? चलिए इनके परिवार परिजनों से हम बात नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी का रो रो कर हालत बुरा बन चुका है, लेकिन जो सरकार का प्रोटोकॉल है इन लोगों का मिलना चाहिए। मेरे भाई के लिए सर्विस दे दीजिए। क्या आप सरकार से क्या मांग कर? मेरे भाई को जॉब दे दीजिए, हम लोग का दिन एक होगा, फिर इसको किसी चीज में जॉब दीजिए। टीचर ये सब में या पुलिस लाइन में नहीं जा सकता है क्योंकि इसका भी तबीयत खराब रहता है। पुलिस लाइन में ही नहीं जा सकता? नहीं जा सकता है। सेना का जो प्रोटोकॉल होता है वो सेना में ही जॉब देते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, इसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। इसको बिहार में टीचर सब की जॉब दिलाइए, इसको बिहार में जॉब दिलाइए। बिहार सरकार से अब यही कहना चाहते हैं? बिहार सरकार से यही मांग रहे हैं, मेरे भाई को जॉब दीजिए, मेरा भाई मम्मी के सहारा बनेगा, जो मिलेगा तो ये। अभी आपका घर का सहारा कोई भी नहीं रहा? कोई नहीं रहा, कोई नहीं, कोई नहीं सहारा रहा। सेना में कब भर्ती हुए थे आपका? मेरे पापा शादी से पहले हुए थे, मेरी मम्मी को शादी जॉब से ही नाना किए थे। आपका मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी घर वाइफ, हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती, हम लोग को संभालती है। आप लोग कहाँ पढ़ाई करते थे? हम लोग गया में रह के पढ़ते थे। गया में रह कर पढ़ाई करते थे? कौन सा क्लास में है अभी? हम अभी बीएड करके अभी पीजी कर रहे हैं। अच्छा, आपको सेना में जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा कि नहीं? मेरे भाई को दीजिए, मेरे भाई को जॉब दीजिए। वो तो भाई का, लेकिन आपका जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ लिख कर मैंने सेना में भर्ती हो सकते हैं? मौका मिलेगा तो जाएंगे। जाइएगा, भाई को टीचर लाइन में दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बिहार सरकार से मांग है कि हम अपने दोनों बहन के शादी विवाह करने के लिए हमको कोई भी एक बिहार सरकार का जॉब चाहिए, टीचर या ब्लॉक में खुशी किसी भी सरकारी कर्मी के लिए। हाँ, हमको नियुक्त मिलना चाहिए। हाँ, यही कहना चाहते हैं। आप एक ही भाई है? हाँ, एक ही। दो बहन है? हाँ। आपका बहन का शादी भी होने वाली थी शायद? हाँ, बहन शादी होने वाला था। तो आपका तो पापा अब नहीं रहे, आपका सहारा तो टूट चुका है। आप नहीं है तो नहीं है सब। कैसे शादी कीजिएगा आप? तो कौन सहारा बनेगा? आप सहारा हम ही बनेंगे। और मैंने कहा सरकार से यही निवेदन है कि हमें नौकरी दे कोई भी बिहार सरकार किसी भी डिपार्टमेंट में, ताकि हम अपनी बहन की शादी कर सकते हैं। सेना में नहीं जा सकता? सेना में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस वहाँ सेना में नहीं जाना है? जान जान मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं।
नहीं सेना में नहीं जा सकते, मेरा मेडिकल फिट नहीं देता है। ऐसा थोड़ी है, आपका कह सकते हैं कि पिताजी का सरकारी जॉब है और डिफेंस लाइन में आपका पिताजी का जॉब था, तो आपको सेना में जॉब मिल सकता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा तो उन लोग आपका प्रॉब्लम को दूर करके सेना में भर्ती कर सकता है। नहीं कर पाएगा, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग इसको देखे हैं ना, हम लोग इसको लाए संभाल के, ये नहीं जा सकता है, ये नहीं जा सकता है सेना में। इसको बिहार में जॉब दिलाइए, टीचर का जॉब दिला दीजिए, टीचर बन के अपना सुबह शाम घर पे रहेगा, माँ के संभालेगा, माँ को फिर कौन संभालेगा, माँ अकेले कैसे घर में रहेगी, माँ को संभालने के लिए ही एक बच्चा। अभी आप लोग को भी संभालने के लिए तो कोई चाहिए, यही है, हम लोग सब संभालेगा, इसी को देख के हम लोग संभलेंगे। देखिए परिवार परिजनों से बात किए तो इन लोग का यही मांग है कि एक सरकारी जॉब भी मिलने चाहिए, और जिस प्रकार से इनका पिताजी कह सकते हैं देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उस प्रकार से इन लोग का सरकारी जॉब भी मिलने चाहिए। कहा जाता है दोस्त, हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, कि हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, जाते जाते मैं जमी को आसमां लिख जाऊंगा, अगर किसी ने देखा आग भर के हिंद को, सरहदों पे खून के हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है। बिहार के अरवल जिले के उसी प्रकार से एक फौजी जवान अमरेश कुमार यादव भी देश की रक्षा करते हुए ड्यूटी आवर में आनी कर सकते असम में शहीद हो गए हैं। उनका परिवार परिजनों से बात किए हैं तो सारे परिवार परिजनों रो रहे हैं, ये बोलने लायक सक्षम नहीं है, लेकिन ये सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इन लोग का भी एक परिवार को चलाने के लिए एक सरकारी जॉब किसी भी सदस्य को मिलने चाहिए, जिसको लेकर यही गुहार इन लोग लगा रहे हैं कि मेरा भाई का सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।